अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को मेरी? जी सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर। चलिए बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर एएस फिजिक्स, व्हिच इज मेजरमेंट्स टेक्निक्स एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो टुडे स्टार्ट न्यू चैप्टर मेजरमेंट्स एंड अनसर्टेनिटी। Just a minute. So we will be talking about measurement and uncertainty. Sir, ye naya topic hai. Ji, this is the second chapter. Acha ji, measurements kya cheez hoti hain? To measurement actually simple language mein is a comparison. का कंपैरिजन करने को हम एक्चुअली में मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर हमें दो एस्पेक्ट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंटली चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक एस्पेक्ट जो होता है वो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है और सेकंड एस्पेक्ट उस मेजरमेंट का क्या होता है, precision। ठीक है जी, तो whenever we do any measurement there must be two aspects in that measurement should be accurate, we need accuracy in that measurement as well as we need that measurement to be precise, there must be precision in that measurement। okay, now there's a lot of difference between these two words ke accuracy or precision kya hote hain। Apparently we consider that the both words are same or meaning bhi in dono ki same hai, but both words have different aspects and different meaning actually। theek hai, can anyone explain what is meant by accuracy? Accuracy kya cheez hoti hai? How you will define accuracy of any measurement? Exact value dene ke wo accuracy। क्या कह रहे हैं सर? जब जिस चीज की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो उसको एक्यूरेसी से क्या कहते हैं? जब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा, विदाउट एनी एरर। विदाउट सर, मेरे ख्याल से वो सबसे कम वैल्यू पे जिस पे स्केल हो सकता है, जैसे 0.1 या ऐसे कुछ।
वो प्रिसिजन और लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। देखो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन दैट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट टेल्स हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या चीज होती है, एक्यूरेसी ये बताती है कि आपकी मेजरमेंट क्लोज कितना क्लोज है, कितना क्लोजर है ट्रू वैल्यू के। दिस इज हाउ वी डिफाइन द एक्यूरेसी, यानी आपकी जो भी मेजरमेंट है वो ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितना करीब करीब आ रही है, तो उससे हम उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से काफी दूर होगी तो हम क्या कहेंगे कि उसकी एक्यूरेसी काफी पुअर है, लेकिन अगर हमारी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के काफी करीब होगी तो हम उस केस में क्या कंसिडर करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी क्या है, बहुत बेहतर है। सो दिस इज एक्चुअली एक्यूरेसी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप एक टारगेट को हिट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज अ टारगेट और इस टारगेट में लेट्स से आप यहां पे हिट करते हो या इस जगह पे हिट करते हो, तो आपने दो शॉट्स इस टारगेट के ऊपर हिट किए। इनकी आवाज, ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो हिटिंग है टारगेट के ऊपर वो उसकी एग्जैक्ट या उसके सही पॉइंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, लेट्स से ये जो हिटिंग की है ये एक स्टूडेंट ने की है, स्टूडेंट वन, और इस तरीके की हिटिंग एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट टू, उसने की है। अब आप इस चीज को देखते हुए मुझे ये बता सकते हैं कि what, which student is more accurate in hitting the target, student one or student two? Student two, क्योंकि वो अपनी true value के जो उसका hit करना था जो target उसके काफी करीब है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे student two is more accurate than student one। ठीक है, so this is how we define the accuracy. They ask the definition in the paper, what is meant by accuracy. Please write down the proper definition of accuracy. Accuracy की heading लगा के लिखिएगा। ये जो मैंने लिखा है, accuracy of a measurement is how close your measurement to the true value. आपकी measurement कितना close है true value के, that is defined its accuracy. जी। अच्छा एक बात बताइए। लेट्स से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट है बी, दोनों ने ग्रेविटी को मेजर किया है। स्टूडेंट ए ने जो ग्रेविटी मेजर की है वो की है 9.72 और स्टूडेंट बी ने जो ग्रेविटी मेजर की है वो की है 8.90। अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है, स्टूडेंट स्टूडेंट ए इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू 9.72 इज मोर क्लोजर टू 9.81 देन 8.90। बट अगर मैं आपसे कहूं कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक्स और स्टूडेंट वाई, एंड दे आर कैलकुलेटिंग मास ऑफ अर्थ। ये दोनों स्टूडेंट मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं और स्टूडेंट एक्स ने जो कैलकुलेशन की है वो कितनी है, 6.2 × 10⁻²⁴, और स्टूडेंट वाई ने जो कैलकुलेशन की है वो कितनी की है, 5.021 × 10⁻³⁶। अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, स्टूडेंट एक्स या स्टूडेंट वाई?
जी एक्स इंडेक्स एक्स कैसे स्टूडेंट एक्स कैसे सर वाई जी स्टूडेंट एक्स कैसे कैलकुलेट है दादा सर एक्चुअली मैं आप लोगों को पता नहीं है यहाँ पे आप अराउंड 6 होते हैं तो एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इनमें से कौन एक्यूरेट है उसका रीजन ये है कि आपको मास ऑफ अर्थ की ट्रू वैल्यू नहीं पता ठीक है इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसको बताते हुए हिचकिचा रहे हैं कि जी स्टूडेंट एक्स एक्यूरेट है या स्टूडेंट वाई एक्यूरेट है ठीक है तो दैट इज एक्चुअली माय पॉइंट इज कि किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए आपको उसकी ट्रू वैल्यू भी पता होनी चाहिए अदरवाइज आप उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट और नॉट ओके सो वी शुड राइट अनदर लाइन डेफिनेशन के नीचे एक और लाइन हमें लिखनी चाहिए टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट वी मस्ट नो द ट्रू वैल्यू हमें ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए ठीक है प्लीज राइट इट डाउन एज वेल To know the accuracy of any measurement, we must know the true value. अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई question है तो please पूछ लीजिए. सर ये दूसरी definition फिर से repeat करिएगा. To know the accuracy of any measurement, we must know the true value. किसी भी measurement की accuracy को पता करने के लिए हमें actually उसकी true value भी पता होनी चाहिए. ठीक है एनीवन एल्स कोई स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट्स क्लियर ना हुए हो नो सर जी शुजा पुरत जी सर क्लियर है नो सर क्लियर सर मास मिराज वाली बेटा किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो ठीक है जी तो ये हमारे पास एक्यूरेसी हो जाती है ठीक है जी अच्छा अगर हमें किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी चाहिए तो हमें किस चीज को अवॉइड करना चाहिए या सिंपल एक और मैं इस तरीके से इसको बोलता हूँ अगर हमें किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी बेसिकली खराब हो रही है तो वो किस चीज की वजह से हमारी एक्यूरेसी खराब हो रही होगी जी विच थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स विच एक्चुअली डिस्ट्रॉय अवर एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेसी को क्या चीज खराब करती है जी कैसे तो हमारी एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट में किस चीज की वजह से खराब होती है बिल्कुल सही कह रहे हैं एरर्स की वजह से हमारी एक्यूरेसी डिस्ट्रॉय होती है और एक्चुअली में वो एरर जो कि हमारी एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है उस एरर को हम बोलते हैं वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर ठीक है जी तो आप एक और लाइन लिखेंगे इसके आगे द एरर विच इफेक्ट्स द एक्यूरेसी of any measurements are known as systematic errors. The accuracy of any measurement is affected by an error known as systematic error. तो हमारी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो इफेक्ट होती है किस एरर की वजह से सिस्टमैटिक एरर की वजह से अब सिस्टमैटिक एरर क्या चीज होते हैं हाउ यू विल डिफाइन सिस्टमैटिक एरर्स एंड व्हिच आर एरर्स आर कंसीडर एज सिस्टमैटिक एरर्स जी सवाल
मैं सवाल ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या है या किन एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर्स बोलेंगे। जी बेटा बोले, आप कुछ कह रहे थे सर? जीरो एरर। हाँ जीरो एरर, बिल्कुल सही कह रहे हो। जीरो एरर क्या है? एक सिस्टमैटिक एरर। पैरेलेक्स एरर सर, ये ह्यूमन एरर हुआ। पैरेलेक्स एरर, यस पैरेलेक्स एरर कैन आल्सो बी सिस्टमैटिक एरर। ये भी सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, हो सकता है ये। और इसके अलावा स्केल एरर, इंस्ट्रूमेंट लेबलिंग एरर, जिसको हम एक्चुअली में अब्दुल्ला कहते हैं कैलिब्रेशन एरर। ये जो लेबलिंग का जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैलिब्रेशन एरर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलिब्रेशन एरर भी होते हैं। और एनवायरमेंटल से कोई एयर वगैरह की वजह से हो सकते हैं? नहीं, एयर वेयर का एरर जो है वो सिस्टमैटिक में नहीं आएगा। विंड स्पीड क्योंकि वेरी कर जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, चलें ये भी अगर आप लोगों ने लिख ली है तो दीज कैन बी द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। बट हाउ कैन यू डिफाइन अ सिस्टमैटिक एरर? व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एरर? जी लेट्स से हमारे पास एक एक एम मीटर है। ओके, दिस इज एन एम मीटर, दिस इज द स्केल ऑफ एम मीटर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, ये एक एम मीटर है और हमारे पास ये नीडल, जब इसको हमने ऑफ किया हुआ है तो ये नीडल कितनी जगह पे पॉइंट कर रही है? कितने पे पॉइंट कर रही है? 1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या है? एक एरर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विच एरर इज दिस? जीरो एरर, सिस्टमैटिक जीरो एरर, जीरो एरर सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर है, जीरो एरर है। अच्छा, जब हमने इस एम मीटर को ऑन किया और एक सेल से कनेक्ट किया, ठीक है, अब हमने इसको ऑन करके एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, तो व्हाट वी सी दैट कि ये जो नीडल है ये हमें यहां दिख रही है। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली द करंट बाय द सेल? कितना करंट आ रहा है सेल से? 4। रीडिंग हमारी आ रही है 5 और एरर हमारा कितना है? +1 का। तो हम क्या करेंगे? 5 - 1 करके क्या आंसर निकाल लेंगे? 4। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर हमेशा आपकी फाइनल रीडिंग से क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज, लेट्स से इसी एम मीटर को मैंने एक और सेल लिया, बल्कि मैंने एक सर्किट लिया, ऑन करके एक सर्किट लिया और उस सर्किट का करंट मेजर किया और सर्किट का करंट मेरे पास कितना आ रहा है? ये रीडिंग दिख रही है। ठीक है, अब बताइए कि सर्किट के करंट की क्या वैल्यू होगी? जी इस वक्त नीडल कितने पे पॉइंट कर रही है? 6 के ऊपर। What is the value of current in the circuit? Cell में कितना था? 4। Circuit में कितना? Circuit में कितना आ रहा होगा? Sir, 4। Basically तो 6 हमें reading दिख रही है, लेकिन 6 में से हम फिर से क्या करेंगे? Minus करेंगे 1 को और final answer हमारे पास कितना आएगा? 5 ampere का आएगा। ठीक है, सारे 2 कहाँ से आ गया? ठीक है जी, तो 6 रीडिंग है, उसमें से हम 1 का जीरो एरर माइनस करेंगे क्योंकि हमारा जीरो एरर कितना है इसमें? कितना है जीरो एरर इस एम मीटर में? +1 का। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे और हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 5 एम्पीयर। ओके,
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है. अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ये बताइए कि क्या सेकंड मेजरमेंट में ये एरर मैंने 1 की जगह 0.5 लिया या 1 की जगह 2 लिया? तो आंसर है नो, मैंने नहीं लिया. एरर की वैल्यू क्या ली मैंने? +1 ही कंसिडर की. ठीक है, तो ये एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा चल रहा है? कांस्टेंट. क्या मैग्नीट्यूड है इस एरर का? 1. और क्या साइन लगी हुई है इसके साथ? प्लस की. ठीक है, तो यही चीज जो है ये डेफिनेशन बनती है किसकी? सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा एरर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, ठीक है, और उसकी साइन भी क्या हो? कांस्टेंट. ठीक है जी, तो एनी एरर विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट साइन इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. ठीक है जी, इसको हम सिस्टमैटिक एरर कंसीडर करेंगे. ठीक है. अच्छा, जरूरी नहीं है कि जीरो एरर प्लस में ही हो. आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक चीज पढ़ी होगी कि एक्चुअली में एम मीटर में ये जो रीडिंग स्टार्ट हो रही होती हैं, इसमें कुछ हिस्सा नेगेटिव का ही भी होता है. अगर आप लोगों ने ओ लेवल्स में इस चीज को देखा है तो ये एक्चुअली में रियल एम मीटर की रीडिंग कुछ ऐसी चल रही होती है. जी, ऐसे ही पढ़ा है ना आप लोगों ने? माइनस में भी होता है करंट. Yes. और माइनस में करंट इसलिए होता है क्योंकि हम एक्चुअली में उल्टी कनेक्शन जब कर देते हैं तो हमारे पास माइनस में मिल रहा होता है. अच्छा, बाय द वे ये एक और एमीटर है और इसको जब मैंने ऑफ किया हुआ है तो इसकी नीडल जो है वो इस वक्त कहाँ दिख रही है मुझे? कितनी वैल्यू पे दिख रही है? -1 पे दिख रही है. ठीक है, अब जब मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, ऑन किया, कनेक्ट किया सेल के साथ, वही पुराना वाला जो मेरा सेल है उसके साथ कनेक्ट किया इस वाले एमीटर को, तो ये अब नीडल मुझे कहाँ दिखाई दे रही है? कितने पे दिखाई दे रही है? 3 पे दिखाई दे रही है. अब मुझे बताइए कि इस सेल की कितने करंट की वैल्यू है? 4 एम्पेयर हो जाएगी. अच्छा, 4 एम्पेयर क्यों होगी? यहाँ तो आपके पास 3 में से 1 को माइनस कर देना चाहिए. सर, साइन माइनस में है ना सर, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो एरर का क्या भी होते हैं? साइन भी होते हैं. माय पॉइंट फॉल्स के एरर के साइन भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ हमारी रीडिंग कितनी आ रही है? 3. इसमें से हम माइनस करेंगे -1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 एम्पेयर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो जी मिसबा बिल्कुल सही बेटा. तो हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एरर जिसका साइन कांस्टेंट रहे, यानी ये जो सेकंड एमीटर में बनाया है इसका जो साइन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? जीरो एरर का माइनस में ही रहेगा, अनलेस और अंटिल हम उसको ठीक ना करें इस एमीटर को. और ऊपर वाले का साइन हमेशा जीरो एरर का किस में रहेगा? प्लस में रहेगा. ठीक है, तो any error which has constant magnitude and constant sign is known as systematic error. ठीक है जी, इसमें किसी को कोई question है तो पूछ दीजिए. Anybody is having any question, please ask. Oh, sir. ठीक है जी. सर, ये ammeter वापस समझा दे सर. Ammeter दोबारा से समझा दूँ? कौन सा वाला? सर ये आखिरी वाला जो आपने जो माइनस वाला समझाया ना. देखो, इसमें हमारे पास जब ये ऑफ हुआ हुआ है तो क्या कहाँ पे नीडल पॉइंट कर रही है? माइनस. फिर जब हमने इसको ऑन किया, सेल से कनेक्ट किया, तो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ये 3 के ऊपर पॉइंट कर रहा है. रीडिंग क्या आ रही है हमारी? 3. एरर हमारा कितना है? -1. और मैंने आपको क्या बताया कि जीरो एरर को हमेशा फाइनल आंसर से माइनस किया जाता है. तो जब हमने इसको माइनस किया तो क्योंकि ये 1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? प्लस. 4 हो जाएगा. ठीक है, आप समझ में आया जी? थैंक यू. तो जीरो एरर हमेशा माइनस किया जाता है फाइनल आंसर में से, हमेशा एरर की साइन उसके साथ लिखी जाती है. और ऐसा एरर जिसका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों सेम रहे उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? सिस्टमैटिक एरर कंसीडर करते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड राइट इट डाउन. सबसे पहले तो सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन नोट करेंगे. द एरर विच हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कॉन्स्टेंट साइन
इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. ठीक है जी. सही है, रिपीट कर देंगे डेफिनेशन. द एरर व्हिच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. एरर व्हिच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट साइन. The error which has constant magnitude and constant sign are known as systematic error. Next line se likhega, the errors are always written with their signs. Hamesha errors ko kiske saath likha jata hai? Unke signs ke saath likha jata hai. Yani error plus mein bhi ho sakte hain aur error माइनस के अंदर भी हो सकते हैं. ठीक है सर, ये एग्जांपल्स दिखा दें. ये देखो सर, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? द एरर्स आर रिटन विद देयर, ऑलवेज रिटन विद देयर साइंस. एरर्स को हमेशा उनके साइंस के साथ लिखा जाता है. अगर हम साइन नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर में गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, लेकिन कभी कभार बच्चों को स्क्रू गेज सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होती है. कैसी स्क्रू गेज में जब रीडिंग लेते हैं ना, तो स्क्रू गेज में अगर आपके पास जीरो एरर होता है, वो जीरो का जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल से लाइन अप नहीं हो रहा होता, ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, तो वहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे सर कि ऊपर जा रहा है तो मुझे माइनस करना है, नीचे जाना है तो प्लस करना है, करना क्या है. वहां पे गड़बड़ होती है ना लोगों के साथ. Any other questions? No, sir. Iman, beta, koi question hai? Misbah, koi question hai? No, sir. Abdullah, any question? Achha, to ye hamare paas systematic error ki definition ho gayi. अच्छा एक बात बताइए, सिस्टमैटिक एरर को मैंने करेक्ट कैसे किया है? मैंने उसको प्लस किया है या माइनस किया है फाइनल आंसर में से, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द एरर. तो क्या सिस्टमैटिक एरर को मैंने अपने फाइनल आंसर से रिड्यूस किया है या मैंने फाइनल आंसर से उसको एलिमिनेट कर दिया है? दोनों वर्ड्स पे जरा ध्यान दीजिएगा. क्या सिस्टमैटिक एरर को मैंने फाइनल आंसर से रिड्यूस किया है या फाइनल आंसर eliminate. जी तो आंसर में तो मैंने उसको टोटली एलिमिनेट किया है, रिड्यूस नहीं किया. मतलब मैंने ये नहीं कहा कि यार एरर अगर 1 का है तो चलो इसमें से 0.5 माइनस कर दो या 0.6 माइनस कर दो. ठीक है, ऐसा नहीं किया मैंने. मैंने उसको पूरे के पूरे एरर को फाइनल आंसर से क्या किया है, एलिमिनेट किया है. ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स कभी भी रिड्यूस नहीं होते. सिस्टमैटिक एरर्स सिर्फ क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं बाय नोइंग इट्स कॉज, उसका रीजन. उसका रीजन जैसे कि यहाँ पे हमें एम मीटर देख के पता चल रहा है स्टार्टिंग के अंदर कि इसमें जीरो एरर है, और अगर हम लोग इसको जीरो पे इसकी रीडिंग ना निकालें, मतलब ऑफ करके इसकी रीडिंग ना निकालें, तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि यह मीटर जीरो एरर कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन और लिखनी है हमने सिस्टमैटिक एरर के नीचे, दैट इज सिस्टमैटिक एरर्स कैन नॉट बी रिड्यूस, इट दे आर ओनली They are only eliminated by knowing their cause. उसका reason हमें पता करके उनको eliminate करना होता है. ठीक है, please write it down and write it down this sentence. सर ये वाला point एक बार वापस समझा देना. देखिए systematic errors को मैं पूरे की पूरी जो भी value होती है उसको final answer में से add या subtract कर देता हूँ. ठीक है,
और वो कैसे करता हूँ, बाय नोइंग द एरर, मुझे एरर को पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ देखा ऑफ करके एमीटर को, भेजी कितना एरर है, पहले वाले में प्लस वन का है और दूसरे में माइनस वन का, तो मैंने उसको फाइनल आंसर में से माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, जो भी उसका साइन थी उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो जीरो एरर को कभी भी फाइनल आंसर में से रिड्यूस नहीं किया जाता कि हम चले कहें जी थोड़ा सा रिड्यूस कर दो बाकी रहने दो, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम पूरे का पूरा उसको फाइनल आंसर से क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और वो एलिमिनेशन करने के लिए पहले हमें एरर का कॉज या एरर पता होना चाहिए कि एरर है क्या। ठीक है, बगैर सोचे नहीं कर सकते कि हम कहें यार कि चलो इस एमीटर में प्लस वन कर दो, दूसरा एमीटर लेंगे उसमें माइनस वन कर देंगे, तीसरे में से प्लस टू कर देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि कितना एरर है। ठीक है, Have you written this sentence? Systematic errors cannot be reduced, it can only be eliminated. By knowing its cause. अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग इस मेजरमेंट को एम मीटर की बार 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 लें और एवरेज निकाल लें, तो क्या सिंपल एवरेज निकालने से ये सिस्टमेटिक एरर खत्म हो जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो रीडिंग है कितनी आ रही है, 6 रीडिंग आ रही है, ये 6 की वैल्यू अगर मैं लेट से 5 दफा निकालू और इसको 5 दफा को ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर दू, तो क्या मेरा ये सिस्टमेटिक एरर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग याद है ओलेवल्स में लिखते थे कि जी हम लोग टेकिंग द रीडिंग मोर एंड फाइंड आउट द एवरेज, एटीपी के लिए लिखते हैं नॉर्मली, तो हम वहां पे एवरेज लेके सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेकिंग एवरेज हैज नो इफेक्ट ऑन सिस्टमैटिक एरर, यानी टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड फाइंडिंग आउट द एवरेज डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सिस्टमैटिक एरर। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिएगा सर। जी सर, एवरेज का यहाँ से क्या ताल्लुक हो गया? एवरेज हम कभी लेते ही नहीं इसके अंदर। बेटा एवरेज हम लोग बहुत सारे केसेस के अंदर लेते हैं, जैसे कि तुम अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट कर रहे होते हो ना हम, इस तो पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम उस एक्सपेरिमेंट को 2 या 3 दफा परफॉर्म करते हैं और उसका टाइम फिर उसके बाद एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम एवरेज इसलिए निकाल रहे होते हैं कि वहां पे जो हम जो एरर कर रहे होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर नहीं होता, वहां पे एक और एरर होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर या ह्यूमन एरर। हां सही, इसलिए उसके ऊपर हमारे एवरेज का इंपैक्ट आता है। हां ठीक है ना, लेकिन ऐसे यहां पे नहीं आता। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एक एक बंदूक चलानी नहीं आती, जैसे कि मैं ऊपर वाले टारगेट की एग्जांपल देता हूं, तो आप बंदूक चलानी आपको नहीं आती तो आप क्या करेंगे, बार 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 उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप कोशिश करेंगे इसको हिट करने की। लेकिन लेट से अगर आपकी बंदूक की जो आगे की जो वो है नाली है, जो इसका पाइप है, वो ही थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो बताइए आप कितनी दफा भी सही से निशाना लगा लें क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक एरर डेवलप हुआ हुआ है ना। ओके ठीक है, ठीक है, तो आप ये एक पॉइंट और नोट करेंगे, टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंडिंग आउट द एवरेज डज नॉट इफेक्ट सिस्टमैटिक एरर। टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंडिंग द एवरेज डज नॉट इफेक्ट सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, अभी जो हमने बात पढ़ी है टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, taking multiple readings and finding the average does not affect systematic error. अगर हम multiple readings लें और average निकालें तो उससे हमारे systematic error पे किसी किस्म का कोई effect नहीं आएगा। ठीक है, अभी जो हमने बात की है वो किसकी की है, हमने एक्यूरेसी की, कि किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी ये बताती है कि हमारी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, और किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को जो इफेक्ट करता है, जो खराब करता है, उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जिसका कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड और कॉन्स्टेंट साइन होती है,
ये एरर रिड्यूस नहीं होता एवरेज लेके, बल्कि इस एरर को हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है बाय नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन। व्हाट इज प्रिसिशन? सर, क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट्स टू ईच अदर। Closeness of two measurements to each other, बिल्कुल सही कह रहे हो, काफी हद तक बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे पास अगर हम बहुत सारी मेजरमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हुए हमारी मेजरमेंट बार बार सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी मेजरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये वही टारगेट है और इस टारगेट को आप एक गन से कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं और आपके कंटिन्यूअसली आपके शॉट्स यहाँ लग रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉट्स को देख के मैं ये बोलूंगा कि आपकी टारगेट हिटिंग प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं। जी, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं। आप जो शॉट्स लगा रहे हैं वो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे लगते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको निशाना लगाना आता है, यू नो हाउ टू यूज द गन, बट देयर मस्ट बी सम सिस्टमैटिक एरर इन दैट गन, दैट इज व्हाई योर एम इज कॉन्स्टेंटली हिटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी मे बी गन में कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से आप बार बार इस पॉइंट को हिट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टमैटिक एरर है, उस गन की गलती है जिसकी वजह से आपसे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है जी, सो प्रिसिशन क्या चीज होती है? तो प्रिसिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम मल्टीपल मेजरमेंट्स कर रहे हैं और अगर हमारी मल्टीपल मेजरमेंट्स एक जैसी आ रही है, कंसिस्टेंसी आ रही है उसके अंदर, रिपीटेबिलिटी आ रही है उसके अंदर, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि हमारी मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग एक इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोग एक मैथ्स का सम कर रहे हो जिसका आंसर तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम लोग अगर 10 दफा वो सवाल करते हो और 10 दफा ही सेम आंसर तुम लोगों का आता है, तो तुम क्या कंसिडर कर लेते हो कि सर मेरा आंसर 10 दफा सेम आया तो यही सही आंसर होगा, है ना? जी। या नॉर्मली ऐसा भी होता है कि अगर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है मैथ्स का और उसको 10 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और सबका आंसर सेम आता है, तो सब जब मैच करते हैं और आंसर सेम आ रहा है तो वो दिल में ये बात मान लेते हैं कि हाँ जी ये आंसर यही होगा इसका। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि अगर सबका सेम आंसर आ रहा है तो वही करेक्ट आंसर होगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबके सब स्टूडेंट प्रिसाइज तो है लेकिन क्या नहीं हो सकते, एक्यूरेट नहीं हो। तो हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, यानी हम बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू काम कर रहे हो और हम जब बार बार मेजरमेंट को रिपीट करें तो वो ही वैल्यू बार बार आ रही हो। ठीक है, तो ये बताइए प्रिसिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू विल डिफाइन प्रिसिशन? Anyone? The consistency in the measurement, the repeatability of all the measurement. ठीक है, अगर आपके पास readings आपकी consistency है, आपकी repeatability बार बार measurements में आ रही है, तो इसका मतलब है your measurements are precise. ठीक है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब है योर प्रिसिशन इज नॉट गुड, इट इज पुअर। ठीक है जी, लिखें सर। देखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट, द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट्स डिफाइन इट्स प्रिसिशन
in multiple measurements, if the readings are, if the repeated readings are same, in multiple measurements, if repeated readings are same, it means the measurement is precise. In multiple measurements, if the readings are same, it means the measurement is precise. Any question? Sir, consistency मतलब लगातार जो एक जगह पे आ रहे हैं ना, एक ही जैसी आ रही हो, बार बार एक जैसी आ रही हो ना, ठीक है? जैसे तुम लोग मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में छोटी 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 गलतियां करते हो, ठीक है? लेकिन जब बिल्कुल सही से आ जाती है तो कंसिस्टेंसी, फिर एक ही तरीके से तुम लोग फिर क्या करना शुरू कर देते हो, चलाते हो, बस बिल्कुल वही। सर रिपीट कर दीजिएगा एक दफा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट डिफाइन इट्स प्रिसिशन। The consistency of the measurement defines its precision. If the readings are repeated, क्या लिखवाया था मैंने? If the readings are repeated, क्या लिखवाया था? It means the measurement is precise. हाँ, ठीक है. It means the measurement is precise. ठीक है. If repeated readings are same, it means the measurement is precise. अगर आपकी repeated measurement same हो, तो इसका मतलब है कि आपकी precision अच्छी है. ठीक है जी? अच्छा, we will stop over here. दो मिनट रह गए हैं, A2 की क्लास भी स्टार्ट होनी है. ठीक है? We will continue tomorrow, inshallah, from here. Okay? ठीक है जी, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज.